सेठ ताराचंद। और उस समय की बात दोस्तों, जब गरीबी छा जाती है सेठ ताराचंद के परिवार में, खाने के भी टोटे पड़ जाते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा था सेठ, और कारोबार में बहुत घाटा जाता है। उधर बंबई में दो कोठी थी, उसमें आग लग जाती है दोस्तों, दो जहाज समंदर में डूब जाते हैं। सब तरह से लाचार हो गए सेठ, आखिर में जब खाने तक भी तोड़े हो गए, अपना यार मन सेठ की याद आती है दोस्तों। अपने बेटे को लेके अपने यार के पास हापुड़ पहुंचाता है, और एक एक बात अपने दोस्त को बताता है। दोस्तों सारी बात सुन के सेठ की आंखों में अश्रुधारा बहने लगती है। किस तरह से अपने यार की धीर बनाता है और कहता कि भाई तुम 200 रुपए ऐसे भी ले जा सकते हो, मैं बेटा गिरवी नहीं रखूंगा। मेरे मेहरबानों, नहीं मानता है वो खुददार इंसान, और मन साफ बिल्कुल साफ मना कर देता है कि 200 रुपए मैं नहीं लूंगा ऐसे। जब तक तुम मेरे बच्चे को गिरवी नहीं रखोगे, मैं 200 रुपए नहीं लूंगा। जिद बैठ जाता है दोस्तों। मनसा सेठ सोचते हैं कि जब तक मैं इस बच्चे को गिरवी नहीं रखूंगा, ये पैसे नहीं लेगा। सोचता ये भी तो मेरा बेटा है, रख लेता हूं गिरवी, मेरे यार का बेटा है, मेरा बेटा है। मेहरबानों 200 रुपए दे देता है, और कवि ने बहुत ही सुंदर बोल सुनाई है, बड़ी ही मार्मिक रागनी है। मेरे मेहरबानों रागनी को लेकर आ रहे हैं भाई राकेश दूड़ी मदनपुर से, और रागनी सुनने को मिलेगी सिसोदिया आध्यात्मिक चैनल पर। आइए सुनते किस तरह से, जोरदार ताली दोस्तों, जोरदार ताली। मत ना नाते सेठ रुपए अजे, और 200 की हाँ भर ले, नहीं उधार मांग रहा मेरा, नहीं उधार मांग। बेटा गिरवी धर ले, मत ना नाते
से